माउंट आबू में सर्दी ने इस बार नवंबर में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तापमान फिर 2 डिग्री पर पहुंच चुका है। अरावली की ऊंची चोटी गुरु शिखर पर तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रहा। बता दें कि गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक भी भारी संख्या में माउंट आबू पहुंच रहे हैं। माउंट आबू की सर्दी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। उनसे हमारे संवाददाता अनिल एरन ने बातचीत की है, सुनिए। अनिल बब्बर की माउंट आबू में जिस प्रकार से लगातार 2 दिन से तापमान गिरने का सिलसिला जारी है, माउंट आबू जिस प्रकार से पश्चिम भारत या राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जहां पे सर्दी के अंदर भी पर्यटक यहां पे मजा लेने आते हैं। हम नक्की लेक पे हैं, जिस प्रकार से आज अगर मौसम विभाग की बात करें तो कल तापमान 1 डिग्री पर रहा लेकिन आज 2 डिग्री पर है, 1 डिग्री का उछाल हुआ है। लेकिन अगर गुरु शिखर की बात करें तो 0 से 1 डिग्री नीचे यानी -1 रहा। हम माउंट आबू में ये पर्यटक आए हैं, आप बताइए कि किस प्रकार का सर्दी का मौसम है लेकिन आपको मजा आ रहा है? हम सर्दी का मौसम एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं और इतनी ठंड है तो हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, एकदम लाइव एटमोसफियर है तो मजा है, ठंडी में मजा कर रहे हैं हम लोग। ठंडी में मजा है, कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा अच्छा, जिस प्रकार से आप बताइए कि आप बताइए कि ठंड में कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी हम यहाँ पे आए ही, अभी घूमना बाकी है। घूमना बाकी है, आप बताइए, बहुत मजा आ रहा है। नक्की लेक सारू छे, माउंट आबू में घूमना अच्छा लगता है? अच्छा। हम जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पर्यटक हर जगह से आए हैं, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे नक्की लेक है, सनसेट पॉइंट है, यहाँ घूमने का बहुत अच्छा है, ठंडी बहुत है, अच्छा लगता है। ठंड बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड ही अच्छा लग रहा है। पर्यटक आए, आप बताइए कि माउंट आबू में ठंडी का, माउंट आबू के लोगों को, माउंट आबू के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है, मेरे को तो पता ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे रहते हैं ये तो कितनी ठंड है। माउंट आबू के लोग क्योंकि हैबिटुअल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इस ठंड का जो है नजारा पर्यटकों को देख के ही जो है उछाल आ जाता है। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।